गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज अवर चैप्टर नंबर टू हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर एक डॉग को अपना मालिक कैसे मिला सो लेट्स यू कैन सी इन दिस स्पिक लेट्स रीड दिस चैप्टर दिस इज अवर रिविजन पार्ट सो वी विल टेक अ क्विक रिविजन ऑफ दिस चैप्टर डॉग्स वर वंस देअर ओन मास्टर एंड लिव द वे वॉल्स टू इन फ्रीडम डॉग्स पहले अपने खुद के मालिक हुआ करते थे और उसी तरह से रहते थे उसी वे में रहते थे जैसे कि होते रहते थे इन फ्रीडम आजादी से हिज वे ऑफ लाइफ ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेन ऑफ दोंगर दे इट मीन्स मीन्स फिर एक कुत्ते ने जन्म लिया जिसे इस प्रकार का जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं था वह भोजन की खोज में अकेले ही करते करते तंग आ चुका था ढूंढते घूमते घूमते और उसने अपने यानी कि ही वॉन्टेड एंड दोज ही वॉन्टेड

उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है करने के लिए कि टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन एक ऐसे इंसान का सर्वेंट बन जाए नौकर बन जाए हु वॉज स्ट्रांगर देन एनी वन ऑन अर्थ जो कि बहुत ही अर्थ में सबसे ज्यादा स्ट्रांगर है एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर और वो इस तरह का मास्टर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है He walked and walked and he met a kinsman of his, a big wolf. A what is kinsman? आ, आ रिलेटिव वहीं से एक रिश्तेदार यानी कि संबंधी ही वॉकड़ो चला और चला और चलता गया और उसको अपना ही एक रिश्तेदार मिला अ बिग वॉल्फ एक बड़ा सा भेड़िया हु वॉज एज स्ट्रांगर एज ही वॉज फियर्स वो इतना स्ट्रोंगर था जितना कि भयानक भी होता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग भी था वेयर आर यू गोइंग डॉग द वॉल वॉल्फ ने पूछा तुम कहा जा रहे हो बिकॉज द वॉल टू सर्च हिज मास्टर क्योंकि वॉल्फ तो अपना मास्टर तलाश करने जा रहा था सॉरी डॉग वॉज गोइंग टू सर्च हिज मास्टर आई एम लुकिंग फॉर सम वन टू टेक अप सर्विस विद वु यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ मैं एक आई एम लुकिंग अब डॉग कह रहा है मैं अपना मास्टर सर्च करने के लिए जा रहा हूँ फॉर सम वन टू टेक अप सर्विस विद यानी कि जो मेरी सर्विस लेगा वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर क्या तुम मेरा मास्टर बनोगे मेरे स्वामी बनोगे वॉल्फ ने कहा मेरे मालिक बनोगे आई डोंट सी वाई नॉट क्यों नहीं मुझे लगता नहीं पर क्यों नहीं द वॉल सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ द वेंट ऑन टूगेदर वॉल्फ ने कहा और दोनों ही एग्रीड हो गए और दोनों ही चल दिए साथ में इट मीन्स द वॉल्फ वॉज रेडी टू बिकम हिज मास्टर दे they walked and they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose sniffed darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest वो चलते गए चलते गए वो दोनों dog एंड wolf और अचानक से wolf lifted his nose वो wolf ने अपनी nose ऊपर उठाई sniffed उसने सूंघा sniff का मतलब सूंघा darted quickly जल्दी-जल्दी भागा darted means होता है moved quickly जल्दी से भागा ऑफ द पाथ उस रास्ते से एंड इनटू द बुशेस और कहां झाड़ियों में जा गया अंदर एंड क्रैप् डीपर इनटू द फॉरेस्ट और जल्दी से फॉरेस्ट जंगल के अंदर चला गया द डॉग वाज मच सरप्राइज डॉग को बहुत सरप्राइज हुआ व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर कि मालिक मास्टर आपको क्या हो गया ही आस्क्ड उसने पूछा व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो आप किस चीज से इतना डर गए हो किसने आपको इतना डरा दिया कॉंच यू सी देयर इज अयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस यू एंड मी क्या तुम्हें दिखता नहीं है वॉल्फ कहता है डॉग से क्या तुम्हें दिखता नहीं है देयर इज अ बियर एक भालू है जो वहाँ पे है और वो हमें खा जाएगा बॉथ ऑफ हम दोनों को यू एंड मी तुम्हें और मुझे सीइंग दैट द बीयर वॉज स्ट्रांगर देन दॉल्फ ये देख कर बियर ज्यादा स्ट्रोंगर है वॉल्फ से भालू इस वॉल्फ से ज्यादा स्ट्रांगर है द डॉग डिसाइडेड टू तो टेक अप सर्विस विद हिम डॉग ने डिसाइड किया कि अब वो किसकी सर्विस लेगा बियर की एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क द बियर टू बी हिज मास्टर और उसने वॉल्फ को छोड़ दिया एंड आस्क द बियर बियर से कहता है टू बी हिज मास्टर बनने के लिए द बियर एग्री टू हिज दिस रेडीली बियर जल्दी से रेडीली एग्री हो जाता है एंड सैड लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ चलते हैं और गा, गायों का जो हर्ड होता है ना झुंड उसको देखते है, हैं ढूंढते हैं आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अपर फिल्म और मैं एक गाय मार दूंगा और हम दोनों अपना पेट भर लेंगे फिल्म पेट

मुंह मींस होता है काउ साउंड इज मू बार बार मुंह मुंह कर रही थी यानी आवाज कर रही थी और भाग रही थी पैनिक में यानी कि डर के मारे सभी डायरेक्शंस में द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री बियर ने ट्री के पीछे से देखा एंड देन ही टू रेन फेस्टिली और वो भी जल्दी जल्दी में भागा हेस्टिली मींस जल्दी जल्दी में टू मीन्स होता है भी टी डब्ल्यू डीप और इंटू द फॉरेस्ट जंगल में घने जंगल में डीप so you can see in this pic so dear students we will start we will uh, study its remaining part in our next video thank you have a nice day